जैसा कि आप गेस कर पा रहे होंगे, हमारे पीछे लगे लाइट से हम आ चुके हैं कैनियन लाइट्स कैपिलाना सस्पेंशन पार्क में देखने। कैनियन लाइट्स लगती है दिसंबर से जनवरी तक, तो आज हम आपको वही दिखाएंगे। लेट्स गो। ये देखो नॉम्स शार्क टैंक से याद आ रहा होंगे कि ये कैपिलानो का हमारा तीसरा वीडियो है, तो उसका एक रीजन है। जो फर्स्ट वीडियो हमने इस YouTube चैनल पर डाला था वो यहीं का था, तो आज हमने सोचा क्योंकि हमारे चैनल को एक साल पूरा हो चुका है तो क्यों ना यहीं पर आकर वो सेलिब्रेट किया जाए, और आज हम ये आपके साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर आज लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, आपको अभी दिखाते हैं। क्रिसमस के टाइम आए हैं, क्रिसमस के टाइम लाइट्स ज्यादा होती हैं। तो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, अगर आप पलट के अभी देखें तो वहाँ पे क्रिसमस ट्री इतना सुंदर लग रहा है। जब हम पहली बार आए थे तो काफी डर लग रहा था, अब आदत हो गई है क्योंकि तीसरी बार आ रहे हैं। बट बहुत सुंदर लग रहा है, क्रिसमस की लाइट्स तो टू गुड। और हाथ मेरे फ्रीज है और मेरे को लग रहा है कहीं फोन हाथ से गिर ना जाए, ये हमेशा डर था। ये पहली बार भी था, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी सेम डर है। और ये ब्रिज दूर से ऐसा लगता है, जो इस पर लाइट्स लगी हुई है उसके कलर चेंज हो रहे हैं, और क्रिसमस थीम है तो रेड ग्रीन में टोगल कर रहे हैं, रेड ग्रीन वाइट टाइप्स। तो लास्ट ईयर फ्रीज होने के बाद मैंने अपनी सीख ले ली थी, और इस बार मैं अच्छे से पैक होके आया हूँ, और मैंने एक नहीं दो नहीं तीन या पता नहीं चार या पाँच लेयर पहनी है आज, पर मेरे को अच्छा लग रहा, ठंड नहीं लग रही है, हाथ अभी फ्रीज हो रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहन सकता क्योंकि वीडियो बनाने हैं। और ये रही पूजा, मैं भी पूरी पैक होके आई हूँ एकदम कवर्ड ताकि ठंड बिल्कुल ना लगे और हम एंजॉय कर सकें। ये नीचे पानी है, इन्होंने लेक सी थोड़ा पाउंड सा बना रखा है, और ये ऊपर इनकी रिफ्लेक्शन आती है क्योंकि ये देखो। तो यहाँ पर ये है, ये ब्यूटीफुल ग्लोइंग बॉल्स, और ये एरिया पिछले दो बार से बंद था, तो आज हम थर्ड टाइम आए हैं, तब जाकर हम इस एरिया में आए हैं। आए तो हम यहाँ पे हेलोवीन पे भी थे, बट आज जैसा फन नहीं था क्योंकि आज लाइट्स उससे कम से कम डबल होंगी, डबल। एंड लुक एट दिस ब्यूटी फ्रेंड्स, लेट मी शो यू। We'll be right back.
जो ये गोल्डन कलर की येलो कलर की आपको लाइट्स दिख रही है सारी ट्रीज के ऊपर लगी हुई है, और ऊपर जो वाइट वाइट दिख रही है ये इन ट्रीज को कनेक्ट कर रखा है। ये ब्रिजेस हैं जो हम इसके ऊपर जाएंगे, ये ऑलमोस्ट होएगा 60 फीट की हाइट पर ब्रिजेस होंगे, और ये मतलब काफ़ी ही बड़े ऊँचे ट्रीज हैं, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर भी। लेट्स गो। इस टाइम हम है ट्री टॉप एडवेंचर के ऊपर, तो अभी ये ट्री टॉप जाएंगे, फिर हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है यहाँ की फेमस टनल। और अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये धुआं जो आपको दिख रहा है मेरी सांसों की वजह से आ रहा है, ये रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स आपसे एक बात करनी थी, हमारी फर्स्ट वीडियो यहीं की थी कैपिलानो की, राइट, और आज हमारी 1 ईयर कम्प्लीशन पे भी यहीं की वीडियो आ रही है, तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको उस वीडियो में और आज की वीडियो में क्या डिफरेंस लगा। आई वांट टू नो दैट। और चलिए मैं ये पीछे जो व्यू दिख रहा है आपको इंजॉय करती हूँ। इट्स सो प्रिटी। हम तीसरी बार आए हैं आज यहाँ पर एंड मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। ये देखो सैम उछलते हुए ब्रिज के ऊपर, ये जैसे लोग होते हैं। मैं कह रही हूँ ये सैम उछलते हुए ब्रिज पर यही जैसे लोग होते हैं। मेरा पैर अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे जो कि है यहाँ की टनल। लुक एट दिस। टनल और क्लिफ वॉक क्रॉस करने के बाद जो वापसी मेन गेट तक जाने का रास्ता है वो भी बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है, और हर जगह पे लाइट ही लाइट है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है फ्रेंड्स। अब हम लाइव म्यूजिक को एंजॉय करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।